आप लगातार न्यूज पे ये देख रहे हैं कि रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और इस हमले के पीछे क्या कारण है आप में से अधिकांश लोगों को ये नहीं पता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बताएंगे जिसे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इस दोनों देश में लड़ाई का एक ही मकसद है, बिकॉज ऑफ नाटो। नाटो की वजह से ही रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया है। कैसे, चलिए समझते हैं। अब नाटो है क्या? नाटो उत्तरी अमेरिका और पूर्वी देश का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो के उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से स्वदेशों की रक्षा और सुरक्षा की गारंटी लेता है। यानी कि नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपियन देश का होना जरूरी शर्त है। नाटो के तहत कहा गया है कि यदि कोई बाहरी देश उसके सदस्य देशों पर हमला करता है तो फिर सभी सदस्य देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें 30 देश आता है और उस 30 देश में से किसी एक देश में कोई अलग देश आके हमला कर दिया नाटो के ऑर्गेनाइजेशन वाले देश में, तो वो पूरा 30 देश मिलकर उस एक देश को पीटेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 22 स्थापक सदस्य थे। वर्तमान में इनके सदस्य 30 हो गए हैं। अब इस लड़ाई का कारण क्या है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। हालांकि यूक्रेन ने नाटो से शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया था। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो के सैनिक यूक्रेन के सीमा पर तैनात हो जाएंगे और वो रूस पे भारी पड़ने लगेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नाटो, रूस ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ से अपने दुश्मनों से घिर सकता है। ऐसे में रूस नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। और आप में से अधिकांश लोगों को ये नहीं पता होगा कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप एक बेस्ट एग्जांपल है समझिए, रसिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और उस कंट्री का छोटा सा पार्ट है यूक्रेन। अब यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो रसिया को क्या, रसिया एक दुश्मन से घिर जाएगा, क्योंकि नाटो में 30 कंट्री आता है। अब एक और एग्जांपल है, समझ लीजिए हमारा इंडिया है और इंडिया के नीचे श्रीलंका है। अब श्रीलंका नाटो में शामिल हो जाए तो हम लोग भी तो दुश्मन से घिर जाएंगे लोग, और हम लोग भी श्रीलंका से वार करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर है पुतिन, उन्होंने एक स्टेटमेंट में भी कहा है कि अगर यूक्रेन ये साबित करता है कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा तो हम लोग हमला नहीं करेंगे लोग, हम लोग युद्ध छोड़ देंगे लोग। तो फ्रेंड्स, देखिए आगे क्या होता है और आई होप आपको इस नाटो के बारे में समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।